व्हेन यू आर प्लेइंग, और कमेंटेटर क्या बोलते हैं उससे, वो तो आप सुनते भी नहीं हो और उसका वो आपका कोई ताल्लुका ही नहीं है, करेक्ट? व्हाइल यू आर प्लेइंग वो लोग वहां बॉक्स में बैठ के कमेंट देते रहते हैं, जिसमें कई बार दे आर डिस्ट्रैक्टिंग द प्लेयर द व्यूअर्स फ्रॉम सीइंग द प्ले, रेदर देन उनको पीछे ले जाते हैं, देखो 1990 में हुआ, 1981 में हुआ, 70 में हुआ, पुरानी बातें सब याद दिलाते हैं वर्तमान में। मैं कह रहा हूं क्यों, हमारे मन में भी एक लेवल ऐसा होता रहता है, कमेंट्री चलती रहती है, ये कमेंटेटर जैसा है, इससे अलग हम खेलने वाले होते हैं। कई बार लोग क्या है, खेलने वालों का देखते ही नहीं कमेंटेटर में फंस जाते हैं। तो ऐसे ही मन में फंस गया व्यक्ति, तो वो कमेंटेटर के आर्गुमेंट में फंस गया। यदि वो देखता है खेलने वालों को, वो एक चैटरिंग कमेंटेटर से अलग है, यहां जॉय है। ऐसे हमारे अंतर मन में, आत्मा में प्रेम है, जॉय है, प्रसन्नता है, यहां तक देखना चाहिए, अंदर खेलने वाले को देखना चाहिए। एक एक हमारे वो शिव सूत्र में कहते हैं, आत्मा नर्तक अंतरंग जो है ये मंच है, दिस इज द फील्ड, और यहां खेलने वाला हमारा आत्मा है। तो हमारे भीतर दो चीजें होती है, एक तो चैटरिंग माइंड है, वो जजमेंटल माइंड है। वी हैव टू थिंग्स, वन इज द चैटरिंग एंड जजमेंटल माइंड विच इज आउटसाइड, एंड इनसाइड देर इज अ ब्यूटिफुल बीइंग इनसाइड एवरी ह्यूमन बीइंग। वो अंदर की जो प्यारा व्यक्ति है, खेलने वाला खिलाड़ी है, इसको पहचानना है, यही सारा खेल है जीवन का।